बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के शॉर्ट लेक्चर जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर टू है। लेक्चर नंबर वन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर टू में हमने क्या चीज़ें सीखनी हैं उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि हम जो इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो है Adobe C++, जो कि फ्री में आपको अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ जाके इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारा आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी कोडिंग है, यानी लिंक लिस्ट क्या होती हैं, क्यूज़ क्या होते हैं, स्टैक्स क्या होते हैं, उन सब की कोडिंग आपको हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया जाएगा। आप वहां से जाके ये कोडिंग सीख सकते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट की, डबली लिंक लिस्ट की, ताकि आपका पेपर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर हो जाए इन प्रैक्टिकल चीज़ों को देखकर। बाकी जो थ्योरी है सारी की सारी वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। छोटे मोटे जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो भी हम साथ साथ यहाँ पर कवर किया करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर टू को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर टू में हमने जो चीज़ें सीखनी हैं वो है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से बेसिक मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो सीखेंगे। एनालिसिस ऑफ एरे लिस्ट, यानी एरे लिस्ट का एनालिसिस करना सीखेंगे। लिस्ट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी, की ये मेमोरी के अंदर लिस्ट कैसे अपनी स्पेस एलोकेट करवाती है, वो चीज़ें सीखेंगे। और हम लिंक्ड लिस्ट का मुतालिया करेंगे, यानी उसको अच्छे से देखेंगे कि लिंक्ड लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे पास और कैसे उसको क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। दोस्तों अगर हम नीचे आएँ तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, तो लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट होती है। लिस्ट कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट होती है कि लाइक आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं तो उन वैल्यूज़ को हम जो है वो एक सीक्वेंस के साथ एक एरे की फॉर्म के अंदर जो है वो सेव कर देते हैं। लाइक आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ थी 2, 6, 8, 7, 1, तो इनको हमने एक, देखें ये मेरे पास ये जो अरे है इसका नाम ए है। ये जो ए है ये बेसिकली मेरी अरे का नाम है। ये जो 2, 6, 8, 7, 1 ये इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, और ये 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये इनकी पोजीशंस हैं, यानी 1 पोजीशन के ऊपर 2 स्टोर हो गया, 2 पोजीशन के ऊपर 6 स्टोर हो गया, 3 पोजीशन के ऊपर 8 स्टोर हो गया। बेसिकली आपको पता है कि अरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो अरे को 1 से स्टार्ट किया हुआ, यानी 1 पोजीशन से। तो 1 पोजीशन में ये वैल्यू है, 2 पोजीशन में ये वैल्यू है, 3 पोजीशन में ये वैल्यू है, इसी तरह आप 2 साउंड चलते जा रहे हैं। अब वो आपको ये बता रहे हैं कि हमारा जो करंट पॉइंटर है वो इस वक्त किस पोजीशन पर खड़ा है, वो इस वक्त 3 पोजीशन पे, यानी 3rd पोजीशन पे खड़ा है। तो 3 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 8, यानी इस वक्त मेरा पॉइंटर इस जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है पोजीशन 3 की वैल्यू 8 को। और कहते हैं जो आपके पास अरे है उसका टोटल साइज कितना है, उसका टोटल जो साइज है वो 5 है, यानी इसके अंदर कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल साइज फिर कितना हुआ, 5 हुआ, क्योंकि अरे में जितनी वैल्यूज होती हैं उतना आपका टोटल साइज होता है। ओके, अगर आपको वैसे पूछा जाए कि एमसीक्यूज के अंदर कि अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा था, तो आपने बताना 0, कि अरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है। सेकंड नंबर के ऊपर जो अरे का मैक्सिमम इंडेक्स होता है वो अपने साइज से एक लेस होता है, वो अपने साइज से एक लेस होता है, बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम 0। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ अरे का साइज कितना है, तो जितनी अरे में नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो बेसिकली अरे का साइज होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहां पे पहला मेथड आया जी ऐड मेथड। अब ऐड मेथड क्या करता है, ऐड मेथड आपकी कोई भी वैल्यू जो है वो आपकी लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए यूज होता है। लाइक यहां पे आपको कहा गया कि आपने 9 वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। अब हमारे पास पहले से जो वैल्यूज थी वो थी 2, 6, 8, 7 और 1, 2, 6, 8, 7 और 1, ये हमारे पास 5 वैल्यूज थी जो पहले से हमारे पास स्टोर थी। अब होता क्या है, जब उन्होंने हमें एक नई वैल्यू दी 9, जो कि हमने ऐड करनी है अपनी लिस्ट के अंदर। अब दोस्तों हम देखते ये हैं कि हमारा पॉइंटर किस पोजीशन पे है, तो हमारा पॉइंटर किस पोजीशन पे था, 3 पोजीशन पे। तो 3 पोजीशन मीन इस पोजीशन पे जो कि जहाँ पे 8 पड़ा हुआ है। तो दोस्तों जहाँ पे आपका करंट पॉइंटर होता है उससे हमेशा आगे वाले बॉक्स के अंदर आप अपनी वैल्यू जो है वो ऐड करते हो। अब मेरा पॉइंटर जो है चूंकि पॉइंट कर रहा था मेरी 8 वैल्यू को, यानी जो पोजीशन नंबर 3 के ऊपर है, तो इसका मतलब है जो मेरी नई वैल्यू है 9 वो कहाँ ऐड होगी, वो पोजीशन नंबर 4 पर ऐड होगी। तो पोजीशन नंबर 4 पर तो ऑलरेडी हमारी एक वैल्यू पड़ी हुई थी 7, ठीक है, और पोजीशन नंबर 5 पे पड़ी हुई थी 1।
तो इस सिचुएशन में हम फिर क्या करते हैं कि हमारे करंट पॉइंटर से जो आगे वाली वैल्यूज होती है ना, उनको हम एक एक स्टेप आगे ले जाते हैं, एक एक स्टेप आगे ले जाते हैं। एक एक स्टेप आगे क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमने नई वैल्यू ऐड करनी है, जारी बात है, उसके लिए हम इंडेक्स खाली करेंगे तो वहां पर उसे ऐड करेंगे ना। तो इसलिए हमने फिर क्या किया, एट एट को मेरा करंट पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा था, तो एट से आगे दो वैल्यूज थी, एक सेवन और एक वन। तो मैंने किया, मैंने सेवन और वन को एक एक स्टेप आगे कर दिया, यानी वन को एक स्टेप आगे किया, फिर सेवन को एक स्टेप आगे किया, तो मेरे पास एक बॉक्स यहाँ पे खाली हो गया। अब ये जो नाइन आपने ऐड करना है, ये पोजीशन नंबर फोर पे ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड होगा तो आपके पास जो नई अरे बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, यानी 268971। तो ये देखें पोजीशन नंबर फोर पे क्या आ गया, नाइन आ गया। तो अब मेरा करंट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, पोजीशन नंबर फोर पे, पोजीशन नंबर फोर पे जा चुका। क्यों? क्योंकि आपने अभी भी जो नई वैल्यू ऐड की है वो किस पोजीशन पे ऐड हुई है, पोजीशन फोर पे। तो लिहाजा जो आपका करंट पॉइंटर है वो इस वक्त कहाँ पे फिर खड़ा है, पोजीशन फोर पे। क्योंकि जब आपकी नई कोई वैल्यू ऐड होती है तो आपका करंट पॉइंटर उस न्यू वैल्यू की पोजीशन को पॉइंट आउट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि अब मेरी अरे का टोटल साइज कितना है। तो मैंने क्या बताया था, जितनी अरे में नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उतना आपकी अरे का साइज होता है। तो आपके पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वैल्यूज है। तो इसका मतलब है मेरी अरे का जो साइज है वो यहाँ पे सिक्स होगा। ठीक है, और जो मेरी करंट पोजिशन है वो क्या है, फिर फोर है, क्योंकि अभी अभी जो मैंने नई वैल्यू ऐड की है वो पोजिशन नंबर फोर पे ऐड हुई है। ठीक है जी, तो ये हो गया। चलें जी, ये हमने ऐड फंक्शन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या करता है, ये नेक्स्ट मेथड बेसिकली क्या करता है, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट मेथड ये करता है कि लाइक आपका जो है, इस वक्त आप खड़े हो पोजीशन नंबर थ्री पे, पोजीशन नंबर थ्री पे। अब आप जब नेक्स्ट मेथड अप्लाई करोगे ना, यानी नेक्स्ट मेथड को कॉल करोगे, तो वो आपको ले जाएगा एक स्टेप आगे, यानी पोजीशन नंबर थ्री से पोजीशन नंबर फोर पे। ठीक है, यानी ये एक स्टेप आगे आपको ले जाता है। तो यही मतलब होता है नेक्स्ट 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 मेथड का, कि ये आपको करंट पोजीशन से एक पोजीशन आगे ले जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रिमूव मेथड। ये रिमूव मेथड क्या करता है, ये आपकी कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू अगर आपने अरे में से रिमूव करनी हो तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। अब रिमूव कौन सी वैल्यू होती है, जहाँ पे आपका करंट पॉइंटर खड़ा होता है। अब मेरा करंट पॉइंटर कहाँ पर खड़ा था, पोजीशन नंबर फाइव पे। ये देखें, ये बता भी रखा था, पोजीशन नंबर फाइव पे आपका जो करंट पॉइंटर खड़ा था। अब होगा क्या, जिस पोजीशन पे मेरा करंट पॉइंटर खड़ा था उस वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी पोजीशन नंबर फाइव पे क्या पड़ा हुआ था, मेरे पोजीशन नंबर फाइव पे पड़ा हुआ था सेवन। ठीक है, टू सिक्स एट नाइन और फाइव के ऊपर पड़ा हुआ था सेवन। तो सेवन मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने किया डिलीट या रिमूव, तो क्या होता है, जो बॉक्स आपका खाली होता है उसके राइट साइड पर जो वैल्यूज होती हैं, यानी राइट साइड कौन सी, ये राइट साइड, तो ये सेवन डिलीट होगा। तो सेवन की राइट साइड पे क्या था, सेवन की राइट साइड पे सिर्फ एक ही वैल्यू थी, जो थी वन। तो अब क्या होता है, जब आप कोई वैल्यू करते हो एरे में से रिमूव, तो वो जो बॉक्स आपका खाली होता है उसकी राइट साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो ऑटोमेटिकली एक एक स्टेप पीछे आ जाती हैं। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही आपने ये सेवन रिमूव किया तो क्या हुआ, एरे में से एक वैल्यू रिमूव होगी। जब रिमूव होगी तो उससे आगे वाली जो वैल्यूज होंगी उसकी राइट साइड पे वो एक एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो अब ये वन जो है वो यहाँ से एक स्टेप पीछे आएगा, तो पोजीशन नंबर फोर सिक्स फाइव पे आ जाएगा, और ये जो पोजीशन नंबर सिक्स है ये हमारी खाली हो जाएगी। इसका मतलब पोजीशन नंबर सिक्स का अब हमारी अरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब हमारी बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज, जब हम वन को पीछे ले आएंगे एक स्टेप, तो फिर हमारी जो अरे में कितनी वैल्यूज पड़ी होंगी, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वैल्यूज पड़ी होंगी। तो हमारा साइज फिर कितना हुआ, सिक्स नहीं बल्कि फाइव। फाइव क्यों, क्योंकि सिक्स था, हमने उसमें से एक वैल्यू जो है वो रिमूव कर दिया। जब एक वैल्यू हुई रिमूव, तो बाकी साइज कितना रह गया सिक्स में से, जब एक वैल्यू रिमूव करते हो तो बाकी साइज कितना रहा आपका, फाइव। ठीक है, सिक्स में से एक माइनस किया तो फाइव आ गया। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट देखें, ये देखें वही उसने किया जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कोई वैल्यू रिमूव करते हो तो आपके राइट साइड पर जो वैल्यूज होती हैं वो ऑटोमेटिकली एक एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। तो देखें, वन वन सिक्स पोजीशन पे था, तो ऑटोमेटिक वो उठ के पीछे एक स्टेप पीछे आ गया, यानी पोजीशन नंबर फाइव पे आ गया। तो आपका अब करंट पॉइंटर, यानी जहाँ पे आपने वैल्यू डिलीट की थी उसको पॉइंट कर रहा था, लिहाजा आपका अभी करंट पॉइंटर जो है वो पोजीशन नंबर फाइव पे खड़ा है, और साइज जो आपके अरे का वो है फाइव। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास फाइंड मेथड। अब ये फाइंड मेथड क्या करता है, ये आपकी कोई भी वैल्यू फाइंड यानी सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये कोड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको मैं अगर यहाँ पे आपको समझाऊँ, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये भी मैंने कोड वही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरी इंट टाइप की एक ए नाम से अरे है, जिसका मैंने साइज फाइव रखा हुआ है, यानी फाइव मीन इस मेरी ए नाम की अरे के अंदर फाइव जो है वैल्यू स्टोर होंगी। तो मैंने इसमें फाइव वैल्यू स्टोर की, कौन कौन सी, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो फाइव वैल्यूज मैंने इस अरे के अंदर क्या कर दी हैं, स्टोर कर दी हैं।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल्स बनाए एक फाउंड नाम से, जो क्या करेगा मुझे ये बताएगा कि जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूँ अरे में से, क्या वो वैल्यू मुझे मिली है कि नहीं मिली। तो ये वेरिएबल मुझे हेल्प करेगा। तो इस वेरिएबल के की स्टार्टिंग मैंने वैल्यू कर दी जीरो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया सर्च अंडरस्कोर वैल्यू के नाम से। इसमें मैं क्या लूंगा, इसमें मैं यूजर से वो वैल्यू पूछूंगा जिसने जिसको आपने सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यूजर से पूछा एंटर वैल्यू फॉर सर्च, तो वो जो भी वैल्यू सर्च करने के लिए देगा वो मैं यहाँ पे सर्च अंडरस्कोर वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे अपनी वो जो वैल्यू है जो कि सर्च अंडरस्कोर वैल्यू नाम के वेरिएबल में पड़ी हुई है, उस वैल्यू को मुझे अपनी अरे की इन तमाम वैल्यूज में से सर्च करना है। तो अब क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज में सर्च करने के लिए हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे जो क्या करेगी, वन बाय वन चलना स्टार्ट करेगी। अब आपको पता है मेरी अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो होता है और मैक्सिमम इंडेक्स उसके साइज से एक लेस होता है। तो मेरी अरे का साइज कितना था, फाइव, तो फाइव से मैक्सिमम इंडेक्स एक लेस होता है, तो फाइव में से माइनस वन करने जवाब आता है फोर। तो इसका मतलब हमारी लूप जीरो से लेके फोर तक मूव करेगी। तो जीरो पहला इंडेक्स है, फिर टू दूसरा, सॉरी वन दूसरा, फिर टू थ्री फोर, ठीक है। इस तरह हमारे फाइव इंडेक्स पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही लूप एक दफ़ा चलेगी तो हम क्या करेंगे, इफ के साथ चेक करेंगे जो हमने वैल्यू सर्च अंडरस्कोर वैल्यू नाम के वेरिएबल में रखी हुई है, जो हमने सर्च करनी है, क्या वो मैच कर रही है किसके साथ, मेरी जो ए नाम की अरे थी उसके करंट इंडेक्स के साथ। करंट इंडेक्स यहाँ पे आई जो है वो बेसिकली आपके करंट इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पे या जिस तरह आपके यहाँ पे जे है ना, जे इन्होंने यहाँ पे जे रखा हुआ है, तो जे आपके करंट इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो आई रखा हुआ है, आई मेरे अरे के करंट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पे मेरी सर्च वैल्यू जो है वो अरे के जीरो वाले इंडेक्स से मैच करेगी। अगर तो ये मैच कर जाती है तो ठीक है, तो ये इफ के अंदर आ जाएगा, कहेगा वैल्यू इज फाउंड और फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस कर देगा। वो पता ना किसी भी वेरिएबल को जब हम प्लस प्लस करते हैं तो उसकी करंट वैल्यू में एक का इजाफा हो जाता है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू फाउंड की क्या थी, जीरो। तो जीरो से वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे वन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि हमें हमने जो वैल्यू सर्च करनी थी वो हमें मिल गई है, तो अब हमें नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट सर्च करने की जरूरत नहीं है, यही ब्रेक करेगा। उसके बाद अगर ये नहीं मिलती तो ये लूप चलती रहेगी और आई को नेक्स्ट टाइम वन कर देगा, तो हमारे पास करंट वैल्यू यहाँ पे वन आ जाएगी। तो फिर नेक्स्ट टाइम ये सर्च वैल्यू वन के साथ कंपेयर होगी, नेक्स्ट टाइम टू के साथ, नेक्स्ट टाइम थ्री के साथ, नेक्स्ट टाइम फोर के साथ, ठीक है, सारी वैल्यूज के साथ कंपेयर हो जाएगी। जिस वैल्यू के साथ मैच कर जाती है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने जो वैल्यू सर्च करनी थी अगर वो अरे किसी भी इंडेक्स से मैच नहीं करेगी तो क्या होगा भला, ये इफ कंडीशन चलेगी नहीं। तो जब इफ कंडीशन ही नहीं चलेगी तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी नहीं, इंक्रीमेंट तो तब होगी ना जब इफ की कंडीशन चलेगी। तो इफ की कंडीशन तब चलेगी जब आपकी वैल्यू फाउंड होगी, जब इफ कंडीशन चलेगी नहीं तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी और वो क्या देगी, वो जीरो की जीरो ही रहेगी। तो हमने लास्ट पे चेक कर लिया कि इफ अगर फाउंड लूप कंप्लीट चलने के बाद अगर मेरे फाउंड वेरिएबल की वैल्यू जीरो ही है अभी भी, तो इसका मतलब है मुझे वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि अगर वैल्यू मिली होती तो फिर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती, वन हो जाती, ठीक है। यही एल्गोरिथम है जो इन्होंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, सॉरी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे आपको ये भी दिखाया हुआ कि यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि वैल्यू सर्च कैसे होगी। पहले हमने जो वैल्यू सर्च करनी है उसको हम कंपेयर करेंगे अपने पहले इंडेक्स के साथ, अगर मिल जाती है वैल्यू तो ठीक है वेल, अदरवाइज फिर हम दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, मिल जाती है तो ठीक है वेल, अदरवाइज हम तीसरे के साथ कंपेयर करेंगे, फिर इस तरह चौथे के साथ, फिर उसके बाद पाँचवें के साथ। तो इस तरह हम जो है वो कंपेरिजन करते हैं वन बाय वन, ठीक है जी। ओके जी, तो ये एल्गोरिथम वही कर रहा है जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलता है जी अदर मेथड। अदर मेथड यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे मेथड हैं जो क्या कर रहे हैं, फर्ज करें आपने जो है वो गेट करनी है करंट पोजीशन की वैल्यू, करंट पोजीशन की वैल्यू गेट करनी है। तो आप क्या करोगे, आप रिटर्न कर दोगे ए अरे की करंट पोजीशन। तो यानी यहाँ पे देखो जो मेरी ए अरे, ए जो है मेरी अरे का नाम है और यहाँ पे इसके अंदर जो आई है ये करंट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा ना रिटर्न ए ऑफ आई, यानी कुछ इस तरह से लिखूंगा, लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना रिटर्न जो मेरी अरे का नाम है और उसके अंदर मैं लिख दूँ करंट, यानी सी यू डबल आर ई एन टी करंट, तो ये क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा ए अरे के करंट पोजीशन की वैल्यू। तो अब करंट कहाँ पे खड़ा था, करंट खड़ा था पोजीशन नंबर फाइव पे, यानी अगर हम ऊपर जाके देखें तो पोजीशन नंबर फाइव पे मेरा करंट खड़ा था यहाँ पे, ये देखें पोजीशन करंट के पास कौन सी पोजीशन है, फाइव। तो फाइव वाली पोजीशन के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वन। तो बेसिकली रिटर्न ए ऑफ करंट का मतलब ये है कि ये आपको करंट पोजीशन की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये हमें बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ऑफ करंट इक्वल टू एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स बेसिकली वो वैल्यू है जो आपने अपडेट करनी है, यानी आप चाह रहे हो कि मेरा करंट पॉइंटर जिस पोजीशन पे खड़ा है उसकी वैल्यू के साथ मेरी वैल्यू नई वैल्यू जो है अपडेट कर दो। फर्ज करो आपने यहाँ पे एक नई वैल्यू दी हुई है नाइन, सॉरी टेन, तो अब क्या होगा,
अब वो 10 जो है वो आपकी करंट पोजीशन एक अरे की करंट पोजीशन की वैल्यू के साथ अपडेट हो जाएगी। यानी अभी देखें मेरा करंट कहाँ पे खड़ा हुआ पड़ा हुआ है, पोजीशन नंबर 5 पे। तो पोजीशन नंबर 5 पे आके वो देखेगा वैल्यू क्या पड़ी हुई है, तो 1, उस 1 के साथ मेरी न्यू वैल्यू को अपडेट कर देगा, यानी 1 के साथ रिप्लेस कर देगा मेरी नई वैल्यू जो होती है 10 थी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। तो यही होता है अपडेट करने का मतलब, कि आपने अगर अपडेट करना तो आप कुछ इस तरह से अपडेट करते हो। आपने कहा ए ऑफ करंट इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स बेसिकली वो वेरिएबल जिसमें मेरी करंट वैल्यू पड़ी हुई है, और करंट बेसिकली वो पोजीशन है जिसकी वैल्यू के साथ मुझे अपनी वैल्यू अपडेट करनी है। उसके बाद रिटर्न साइज, ये क्या करता है, ये आपको अरे का साइज जो है वो रिटर्न करेगा, कि बताएगा कि अरे का टोटल साइज कितना है। उसके बाद ये बैक जो है फंक्शन ये करता है, ये आपको पता ना, ये बैक फंक्शन ये करेगा कि आपका करंट पॉइंटर जिस पोजीशन पे खड़ा है उससे एक स्टेप पीछे चला जाएगा। यानी फर्ज करें आपका करंट इस वक्त कहाँ पे खड़ा था, पोजीशन नंबर 5 पे, तो बैक करने से क्या होगा कि आपका करंट पॉइंटर पोजीशन नंबर 4 पे चला जाएगा, और अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपका नेक्स्ट पे चला जाएगा, यानी पोजीशन नंबर 4 से 5 पे चला जाएगा। अगर आप बैक करते हैं तो पोजीशन नंबर 5 से बैक पोजीशन नंबर 4 पे चला जाएगा, यही मतलब है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, तो करंट माइनस माइनस का मतलब यही है कि पोजीशन करंट पोजीशन से बैक चले जाओ, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, करंट इक्वल टू करंट माइनस वन, इसका मतलब भी वही है जो ऊपर उसने बताया हुआ है। तो करंट माइनस माइनस और करंट इक्वल टू करंट माइनस वन का सेम मतलब होता है। करंट माइनस माइनस का मतलब भी ये है कि करंट की वैल्यू में से एक माइनस कर दो, और यहाँ पे करंट माइनस वन में से क्या करेगा, करंट की वैल्यू में से एक माइनस करेगा, और जो भी आंसर आएगा उसको करंट के अंदर सेव कर देगा। तो इसका यही मतलब है, दोनों का सेम मतलब है। तो उसके बाद करंट इक्वल टू वन, यानी करंट के अंदर वन स्टोर कर देगा। इस वैल्यू का मतलब यह है कि करंट इक्वल टू वन का मतलब है कि करंट पोजीशन के अंदर, करंट वेरिएबल के अंदर एक ए वन रख दो, तो ये वन रख देगा। उसके बाद करंट इक्वल टू साइज का मतलब यह है कि जितनी बड़ी एरे का साइज है वो साइज जो है टोटल करंट को दे दो, तो यही इसका मतलब है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ एरे लिस्ट, एनालिसिस ऑफ एरे लिस्ट में दोस्तों हम जो चीज़ें मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए वो होती है एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, देखना कि ये एल्गोरिदम क्या काबिल है, इस काबिल है कि ये जल्दी फास्ट ही वर्क करेगा। अब हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस किन चीज़ों की बेस पर करते हैं, उसके ऐड ऑपरेशन की बेस पर, उसके ये देखिए उन्होंने बेसिकली ये ऑपरेशन बता रहे हैं आपको कि ये कौन कौन से ऑपरेशन हम चेक करते हैं जब हम कोई भी एल्गोरिथम का टेस्ट करते हैं, ये कितना टाइम लेगा चलने में, तो हम उसके कुछ ऑपरेशन टेस्ट करते हैं। कौन कौन से, एक ऐड का ऑपरेशन यानी कोई नई वैल्यू ऐड करके देखते हैं, रिमूव यानी कोई वैल्यू रिमूव करके देखते हैं, ठीक है, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद कहते हैं हम क्या करते हैं, फाइंड करके देखते हैं यानी कोई वैल्यू सर्च करके देखते हैं, तो तीन चीज़ें उसने बताई आपको अभी तक। नेक्स्ट चलते हैं, बस इसका मतलब है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए यानी वो एल्गोरिदम चलने में कितना टाइम लेगा, उसके लिए हम तीन चीज़ें चेक करते हैं उस एल्गोरिदम में। फर्स्ट, उसमें कोई नई वैल्यू ऐड करके देखते हैं, सेकंड, उसमें से कोई वैल्यू रिमूव करके देखते हैं, थर्ड, उसमें कोई वैल्यू सर्च करके देखते हैं। अगर इन तीनों के ऊपर हमारा टाइम जो है बहुत ही यानी हमारा एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट तरीके से वर्क करे, तो इसका मतलब वो एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यही होता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। उसके बाद लिस्ट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी, कि यानी लिस्ट को जो है हम कैसे मेमोरी के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं, ये इसका मतलब है। यानी आप उसके लिए स्पेस एलोकेट करवाते हो, उस हर लिस्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक इसका डाटा होता है, एक उसके नेक्स्ट पॉइंट का एड्रेस होता है यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ये चीज़ होती है। यहाँ पर देखें अब लिंक्ड लिस्ट स्टार्ट हो गया। अब लिंक्ड लिस्ट में दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज नेक्स्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, ये वो ब्लॉक है जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर होगी। वो वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, वो आपकी इंट टाइप की हो सकती है, फ्लॉट टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, वो आप ऑब्जेक्ट में रखते हो। और ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपकी आगे वाली जो नोड होती है, आगे वाला जो ब्लॉक होता है, लिंक्ड लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड्स ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स को हम नोड कहते हैं। तो आगे वाली जो नोड होती है, इससे आगे वाली नेक्स्ट नोड होती है, उसका एड्रेस इस नेक्स्ट के पास होता है। अगर मैं इसी शेप को, ये जो यहाँ पे आपको समझाई गई है, इसी शेप को मैं ज़्यादा आसानी से समझाऊँ, तो यहाँ पे देखें मैंने एक शेप आपके लिए बना रखी हुई है पहले से, ये देखें। तो अब मैं समझाता हूँ इसको, देखें ये जो है ना, ये एक बड़ी लिंक लिस्ट है, ये पूरा एक बॉक्स फर्ज करें एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट छोटी छोटी नोड्स होती हैं, हर नोड के अंदर कम से कम दो ब्लॉक होती हैं, एक डाटा वाला ब्लॉक होता है जिसमें ये देखें ये डाटा वाला ब्लॉक है जिसमें आपका डाटा स्टोर है, दूसरा नोड के अंदर ब्लॉक होता है नेक्स्ट एड्रेस के नाम से जिसके पास क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, यानी इस ये जो नेक्स्ट नोड है आपकी पूरी इसका एड्रेस किसके पास होता है, मेरी पीछे वाली नोड के इस नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस वाले पॉइंटर के पास, यानी इस ब्लॉक के पास होता है, ठीक है। तो ये देखें नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 1056, तो ये देखें इसके पास 1056 नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो ये देखें ये एरो भी लगा हुआ है कि ये नोड जो है इसका ये वाला पॉइंटर इस आगे वाली पूरी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद ये एक नोड है, इस नोड के इस
वाले ब्लॉक के अंदर क्या है, मेरा डाटा पड़ा हुआ है। इस वाले ब्लॉक में क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट चूंकि कोई नोड नहीं है, देखें आगे कोई नोड नहीं है, लिहाजा जब आगे कोई नोड नहीं होती तो आपके इन करंट नोड के नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस वाले पॉइंटर के पास क्या होता है, नल होता है। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद दोस्तों जो हमारी फर्स्ट नोड होती है, यानी ये जो फर्स्ट नोड है, ये तो हो गया कि करंट नोड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। अब जो फर्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस किसके पास होता है, तो उसके लिए हम दोस्तों एक पॉइंटर बनाते हैं हेड नाम से, हेड नाम से। उस हेड नाम के पॉइंटर के पास हमारी लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड होती है ना उसका एड्रेस होता है। तो देखिए मेरी फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या था, 1055। तो देखें हेड के पास क्या है, 1055। तो ये होता है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ऐसी लिस्ट जिसमें मल्टीपल नोड्स होती हैं और हर नोड दूसरी नोड के साथ अटैच होती है यूजिंग एड्रेसेस। ठीक है, तो ये देखें, और एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने हर नोड के अंदर एक स्पेसिफिक ब्लॉक होता है नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस के नाम से, जिसके पास एड्रेस होता है। तो ये आप इसका नाम कुछ भी होता है, जैसे उन्होंने नाम नेक्स्ट रखा हुआ है, हम कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या होता है, ये एक पॉइंटर होता है जो एड्रेस पॉइंटर कर रहा होता है नेक्स्ट नोड का। क्लियर जी, ओके जी। ये थी हमारे पास नोड, यहाँ भी देखें वही समझा रहे हैं आपको। ये देखें हेड जो है वो पॉइंटर कर रहा है आपकी फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड के अंदर का ये ब्लॉक आपके नेक्स्ट नोड को पॉइंटर कर रहा है, जो कि सिक्स, जिसमें वैल्यू सिक्स पड़ी हुई है। सिक्स वाली जो नोड है ये पॉइंट कर रही है आगे वाली नोड को, जिसमें एट पड़ा हुआ है, एट वाली पड़ी हुई है, एट वाली वैल्यू वाली नोड आगे वाली नोड को पॉइंट कर रही है, उससे आगे वाली नोड को। तो देखें लास्ट पे जो लास्ट नोड है उसके अंदर देखें ये तिरछी लाइन लगी हुई है, ये तिरछी लाइन क्या बेसिकली शो कर रही है कि इसके आगे चूंकि कोई नोड नहीं है तो बेसिकली ये कह रहा है एम्प्टी, यहाँ पर अब कोई भी एड्रेस नहीं है। और करंट जो पॉइंटर है वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है आपकी कौन से वाली नोड को, तीसरी नोड को, यानी जिसमें वैल्यू एट पड़ी हुई है। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और ये देखें ये लास्ट पे हमारे इस लेक्चर के लास्ट पे एक डायग्राम दी गई है, जिसमें देखें फिर दोबारा से आपको समझाया गया। देखें सबसे पहले ये आपका हेड है, ठीक है, और हेड पॉइंट कर रहा है आपकी, ये हेड की नोड है। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली आपके सारे के सारे क्या हैं, एड्रेसेस हैं, यानी नोड्स हैं, और उन नोड्स के ये एड्रेसेस लगे हुए हैं। और ये क्या है, हर नोड के अंदर मैंने बताया ना दो चीज़ें होती हैं, हर नोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ये देखें ये फर्स्ट नोड है हमारी, ठीक है, सॉरी एक मिनट आ रहे हैं, ये मेरी फर्स्ट नोड है, उसके अंदर ये वैल्यू सिक्स पड़ी हुई है, और उसके अंदर उसका ये एड्रेस वाला ब्लॉक है जिसमें एड्रेस पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर आ जाता है हमारी ये वाली नोड, जिसके अंदर ये वैल्यू है और ये उसका एड्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट नोड ये है, इसके पास वैल्यू ये है और एड्रेस ये है। उसके बाद ये नोड है जिसके पास वैल्यू ये है, और उसके पास जीरो का मतलब ये कोई भी एड्रेस नहीं है, यानी ये इसका मतलब फिर आखिरी नोड है। ठीक है, तो जीरो मतलब यही है। उसके बाद ये हेड नोड, हेड आपको पता है एक पॉइंटर होता है, उसमें सिर्फ जस्ट एड्रेस होता है। तो ये देखें हेड जो है पॉइंटर कर रहा है मेरी, कि जिस नोड को पॉइंटर कर रहा है उसका एड्रेस उसके पास है। उसके बाद ये एक फिर नोड है जिसके पास वैल्यू एट है, और एड्रेस उसके पास किस नोड का है, 1057। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें हेड के पास जो एड्रेस है वो है जी 1054। अब देखें 1054 किस नोड का एड्रेस है, तो ये 1054, ये देखें ये इस नोड का एड्रेस है जिसके पास वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट नोड है, ये आपकी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है। ठीक है, उसके बाद देखें फर्स्ट नोड के पास किसका एड्रेस है, 1051। तो 1051 किसका, ये है, ये पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये नोड है दूसरी आपकी। तो इस तरह सीक्वेंस किसे चलते हैं, फर्स्ट नोड के, ये हेड के पास जिस नोड का एड्रेस है वो फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड के पास जिस नोड का एड्रेस है वो सेकंड नोड है, सेकंड नोड के पास जिस नोड का एड्रेस है 1063। 1063 कहाँ पे है, ये है 1063। तो ये आपकी थर्ड नोड है जिसके पास वैल्यू 8 पड़ी हुई है, और उसके पास किसका एड्रेस है 1057। 1057 कहाँ पे है, ये 1057। तो इसका मतलब है हमारी थर्ड नोड जो है, जिस नोड को पॉइंट कर रही है वो फोर्थ नोड ये वाली है जिसके पास वैल्यू 7 है। तो यही बेसिकली वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह जो है हम एड्रेसिंग करते हैं, हमारे एक नोड दूसरी नोड के साथ इस तरह जो है वो अटैच होती है। क्लियर जी, ओके जी। तो ये हमारा लेक्चर आज यहाँ पर होता है ख़त्म। तो इसके प्रैक्टिकल जो है कि लिंक लिस्ट में, सिंगल लिंक लिस्ट में कैसे चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कोड कैसे करते हैं, इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट का, वो सारा मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है सिंगल सिंगल वीडियोस के अंदर, वो आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।